एवरीबॉडी, मेरा नाम है नितिन कटेजा। आज मैं आपसे 5 मोस्ट असेंशियल मॉर्निंग रूटीन, मॉर्निंग हैबिट आपसे शेयर करना चाहूँगा। यू नो व्हाट, एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के पीछे, एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक मॉर्निंग रूटीन छुपा हुआ है। रिसर्चर्स कहते हैं अगर आप मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो आपके लाइफ में सेल्फ कंट्रोल, मोटिवेशन, यू नो विल पावर, ये सब पूरा दिन आपके दिन भर आपके इसमें रहेगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। आप सबसे पहला पॉइंट आपको बताऊँगा, टुमारोस लिस्ट, राइट। रात को सोने से पहले, सुबह होने से पहले आपको कल की तैयारी करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सुबह उठ के मॉर्निंग में क्या करना है पहले ही बना देंगे तो आपको सुबह ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेनर्स, बिजनेसमैन, CEOs ये चीज़ फॉलो करते हैं। अपना एंड ऑफ द डे होने के बाद वो अपने कल की तैयारी के बारे में जॉट डाउन कर देते हैं कि मुझे कल क्या करना है। पॉइंट, प्रैक्टिस मॉर्निंग माइंडफुलनेस, राइट। सुबह उठ के आपका माइंडफुलनेस वाली प्रैक्टिस होनी चाहिए, मींस आपको एक्सरसाइज या मेडिटेशन करना चाहिए। ये क्यों करना चाहिए, यू नो, और सारे सक्सेसफुल लोग ये करते हैं, लोगों को या हमको या सबको ये एक्सरसाइज, ये मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके माइंड में बहुत ही चेंजेस लाता है। आपको पूरा दिन आपका कैसे जाएगा वो आपका सुबह का दिन डिसाइड करता है। अगर आपका माइंड फोकस्ड है तो आपका पूरा दिन बहुत ही ज़बरदस्त जाएगा। नंबर 3, फोकस ऑन मॉर्निंग न्यूट्रिएंट्स। हेल्दी ब्रेकफास्ट फ्यूल्स योर डे। वर्जिन ग्रुप फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन कहते हैं कि वो सुबह उठ के फ्रूट सैलड खाते हैं मॉर्निंग में, राइट। फ्रूट सैलड, क्योंकि सुबह उठ के आप फ्रूट्स खाते हैं तो आपकी बॉडी में जो भी आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो एक टेनिस प्लेयर है जिनका नाम है नोवेक, प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, वो सुबह उठ के एक बड़ा ग्लास रूम टेम्परेचर का पानी पीते हैं। तो हर एक का अपने अपने हिसाब से एक मॉर्निंग रूटीन बना हुआ है जो उनको पूरे दिन के लिए फ्यूल अप करती है। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट आपको खाना बहुत ज़रूरी है, एक फुल ऑफ न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट खाना बहुत ज़रूरी है, हैवी नहीं, न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट खाना है हमको। 4th पॉइंट, पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में। अगर हम मॉर्निंग में उठते हैं और हम पॉजिटिवली नहीं उठते, पॉजिटिव नहीं सोचते, तो पूरा दिन हमारा ख़राब जाता है। बहुत सारे लोग मालूम है मॉर्निंग में कैसे उठते सुबह उठना है, फ्रेश फील करना है, अच्छा फील करना है, ज़बरदस्त फील करना है। सुबह उठ के पॉजिटिव चीज़ों के बारे में पढ़िए, पॉजिटिव रीडिंग कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए खुद को, क्योंकि पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम में। अगर आपका दिन पॉजिटिव है, आपकी मॉर्निंग पॉजिटिव है, तो आपने समझ लो आप पूरा का पूरा दिन जीत लेंगे। एक NBA का प्रोफेशनल प्लेयर है, वो कहता है अगर आपने पूरा अपना मॉर्निंग जीत लिया तो आप पूरा अपना दिन जीत सकते हैं। तो मॉर्निंग में पॉजिटिविटी ज़रूर लाइए। 5th पॉइंट ये है कि अपना जो रिजल्ट्स है, आपने जो सोचा है अपने लाइफ में पाने के लिए, ट्रैक कीजिए जो रिजल्ट्स को, मॉर्निंग में ट्रैक कीजिए कि इतने दिन, 1, 2, 3, 4 महीना पहले मैं क्या कर रहा था, कि अभी मुझे क्या करना है, मेरी रिजल्ट्स किधर है, जो मैंने सोचा है कि वो सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो सब आपको करके देखना है, आपको ट्रैक करना है। दूसरा, आपके अपने गोल्स को रिव्यू करना है, अपने आपको देखना है मैंने जो गोल्स रखे क्या वो हो रहे हैं कि नहीं, क्या मैं उस रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं। डेली मॉर्निंग में आपको ये सब रिव्यू करना है तो आपको पता चलेगा कि आपका गोल्स कैसे हैं। आपके गोल्स स्मार्ट होने चाहिए, स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइमली, ये गोल्स आपके होने चाहिए। इस हिसाब से आपका गोल सेट होना चाहिए और आपको अपने गोल पे काम करना चाहिए। ये 5 चीज़ें आप मॉर्निंग में फॉलो कीजिए, क्योंकि इसमें से दो चीज़ें तो मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, पॉजिटिविटी और माइंडफुलनेस, ये दोनों मैंने स्टार्ट कर दिए फॉलो करने। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं, मैं और इम्प्रूवमेंट के साथ और अच्छे वीडियोज आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।